करम का तूफान बाढ़ पर है, सितम का दरिया उतर रहा, करम का तूफान बाढ़ पर है, सितम का दरिया उतर रहा है, किसी अजान समझो नमाज समझो, तवाफे काबा का राज समझो, अजान समझो नमाज समझो, तवाफे काबा का राज समझो, दरअसल तेरा रजब से अब तक अली का सदका, तेरा रजब से अब तक अली का सदका उतर रहा, अजान समझो नमाज समझो, तवाफे काबा का राज समझो, बाढ़ पर है, सितम का दरिया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा, मौला आपको सलामत रखे। एक बड़ी छोटी सी नज़्म है, मैं हाजिर कर रहा हूँ। इसका उन्वान है नमाज और हुसैन। नमाज और हुसैन, एक ज़माने से ये फजूल बहस चली आ रही है, नमाज अफजल कि हुसैन अफजल, हुसैन अफजल कि नमाज अफजल। हालांकि सरकार बहुत बिल्कुल खुले सिरात पे गुजरने वाला मेरे नज़दीक, मैं तालिबे बहरहाल एक बड़ी मुख्तसर सी नज़्म मैंने कही है, एक सया पेश किया है, इसे सुकून से सुन लें। मौला खुश रखे आपकी समातों को, सेहत ये बात सुन के कश्म कश्म में सारी काए
है, नमाज हुसैन में बुलंद किस की जात है, कोई ये कह रहा है बस नमाज है बुलंद तर, कोई ये कह रहा है सजदे कर डरे हुसैन पर, कोई ये कह रहा है मस्जिदें नहीं तो हम नहीं, कोई ये कह रहा है कुछ नहीं अगर अलम नहीं, कोई ये कह रहा है सजदे हमको बख्शवाएंगे, कोई ये कह रहा है सिर्फ अश्क काम आएंगे। सुनी जो ये अजीब गुफ्तगु, जिगर तड़प उठा फिर उसके बाद अपने दिल से मैंने फैसला लिखा, नमाज हुसैन में बुलंद किस की जात है। अब यहां से ये बात भी है सच, नमाज मस्जिदों की शान है, तो ये भी सच है सजदे हुसैन इसकी जान, ये बात भी है सच, नमाज शमे को है दूर है, तो ये भी सच है वो मेरे हुसैन ही का नूर, ये बात भी है सच नमाज की बिना है मुस्तफा, तो ये भी सच है पुष्ट पर रसूल की हुसैन, तो ये भी सच है पुष्ट पर रसूल की हुसैन था, खुदा के हुक्म से, खुदा के हुक्म से नबी ने सजदा तूल ही रखा, मेरा हुसैन जब तलक न पुष्ट से उतर गया, तो फिर ये कहने दो के दोनों पर खुदा को नाज है, नमाज ही हुसैन है हुसैन। नमाज की बिना है मुस्तफा, तो ये भी सच है पुष्ट पर रसूल की हुसैन था, खुदा के हुक्म से नबी ने सजदा तूल ही रखा, मेरा हुसैन जब तलक न पुष्ट से उतर गया, तो फिर कहने दो के दोनों पर खुदा
कश्मकश में आज सारी कायनात। बहुत बहुत शुक्रिया आदा, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चंद अशआर और मैं पेश कर रहा हूँ, और हमारे ये इमरान भैया का एक हुक्म है, इन्होंने एक मर्तबत के लिए कहा है, तो चार पांच शेर उसमें से, और उसके बाद मौला हद हो गई, हद हो गई है गए कि वो हद ढूंढ रहे हैं। गई हद हो गई है गए कि वो हद ढूंढ रहे हैं, जो खुद पहली बार मौला अब्बास आए हैं और दुश्मनों में खलबली मची हुई है, चिमगोइयाँ हो रही हैं कि नहीं नहीं अली हैं, नहीं नहीं अली हैं। मंजर जो खुद है सनद हो गई है दे कि वो हद ढूंढ रहे, करार नया देख के फलार पुराने, करार निकले हैं जो है दर की अदावत के सफर पर, निकले हैं जो है दर की अदावत के सफर पर, वो अपने अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ये हमारी जो मजलिसें और महफिलें हैं, ये इनकी देन है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी ये जानते हैं कि रूबा लोमड़ी को कहते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं ये कहूँगा, बच्चों को बताऊँगा ये वो, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी तरह से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। ये देन है सरकार मजलिसों की और महफिलों की। रूबा है, रूबा है उमैया तेरी, रूबा है उमैया तेरी।
شعر حاضر کر رہا ہوں رضا نوازی یہ خاص طور سے اور ایک بلکہ یہی سچائی اور ابھی لمحوں میں جیسے ہی میں شعر پڑھ لوں گا پورا مجمع بھی اس بات کی گواہی دے گا حاضر کر رہا ہوں آخر انہیں عطرت سے عداوت ہے تو کیوں ہے آخر انہیں عطرت سے عداوت ہے تو کیوں ہے خود اہل حسد وجہ حسد فاطمان میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ ٹھہریں گے یہ شہزادی جنت ہی کے در پر جنت کے فرشتے رسد ڈھونڈ حد ہو گئی میراج بھائی عربی میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ الف اور بے یعنی اب علماء سے کون دیکھیے میں نے لفظ اب سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے اتش بھائی دیکھیے اب تک تو جیا کہتے تھے بس ماں کے بھروسے اور یہ شعر حالات حاضرہ سے وابستہ ہے جنس بھائی یہ حالات حاضرہ میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں اور کچھ حد تک آپ کے سمجھنے کا کچھ حد پھر وقت کے ہارون اٹھا تجھے اہل
हद हो गई है दे कि वो हद ढूंढ रहे हैं नायाब जिन्हें सूरे कौसर से जलन है तबीयत खुश हो गई है आपकी तबीयत खुश हो गई पहली बार सुना तबीयत खुश हो गई है आपकी वाह बाकर भाई एक शेर और हाजिर कर दे रहा हूँ एक शेर भाई जान खास तौर से किस किस्म के दाना है ये नादानों से हाय 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 किस किस्म के दाना तबीयत खुश हो गई मतला और चार पांच शेर हाजिर कर दे रहा हूँ। ये हमारे भतीजे इमरान साहब की मोहब्बतें हैं, पसंद आए तो दुआ और दाद मेरा हिस्सा, ना पसंद आए तो ये देखिए बैठे हुए हैं। हाजिर कर बहुत मुख्तसर। जानशीन नबी हो न कैसे अली ये भी मुख्तार है वो भी मुख्तार है वो भी मुख्तार है दीन को खून से सींचने के लिए ये भी तैयार है वो भी तैयार जानशीन नबी हो कैसे अली
ये भी मुख्तार है, वो भी मुख्तार है, दीन को खून से सींचने के लिए ये भी तैयार है, वो भी तैयार। अब यहां से मंजर मुलाजा फरमाए, देखिए जश्न मौलूद है। एक ने बिनते असद को दिया रास्ता, एक से कोई आगे नहीं बढ़ सका। कमसिनी और जवानी पमत जाइए, ये भी जल्लार है, वो भी जल्लार है। शेर, हाँ, अरे वाह, अरे मौला सलामत रखे। एक दस्ते नबूवत से बांधी गई, एक अपने ही हाथों पहन ली गई। खून कासिम ने ये राज अफशा
किया, सुलह शब्बर हो या जंग शबीर हो, वो भी इनकार है ये भी इनकार। भैया बहुत कीमती शेर है ये, और इसको सुनने के बाद आप नारे हैदरी लगाएं या ना लगाएं, मैं लगाऊंगा। वो भी इनकार है ये भी इनकार है, रोजे आशूर बढ़ गए सरे सुलह शब्बर हो या जंग शबीर हो, ये भी इनकार है वो भी इनकार। सर पर सजदे, ये आज की इस महफिल का, आज के इस जश्न का, फातिमान के मोतबर मुकद्दस स्टेज से तमाम आलम इस्लाम को मेराज भाई आपको गवाह बनाते हुए ये एक पैगाम। सर पर सजदे में जरूरत लगाए कोई और कातिल को शरबत लाए, सर पर सजदे में जरूरत लगाए कोई और पिलाए कोई। अब जिसे चाहिए आप अपनाइए, ये भी किरदार है ये भी सर पर सजदे में जरूरत लगाए कोई और कातिल को शरबत पिलाए कोई। अब जिसे चाहिए आप अपनाइए, ये भी किरदार है वो भी किरदार, ये भी किरदार है वो भी किरदार। एक बार दूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये भी किरदार है वो भी किरदार है। आप सजदों पर सजदे किए गए और कुरान धोकर सच तो ये है कि इश्ते अली के बिना ये भी बेकार है वो भी बेकार के बिना ये भी बेकार है वो भी।
सुलह शब्बर हो या जंग शब्बीर हो, ये भी इनकार है वो भी इनकार। देख के हम ले नारे हैदरी, सुन के नायाब तकरीर बिनते अली, दिल न क्यों कुफर बिदअत के कटने लगे, ये भी तलवार है वो भी तलवार। मौला आपको खुश रखे, सलामत रखे। खुसूसी तौर पे आप लोगों के लिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जब कभी भी मौला अब्बास के बाबा का नाम आए, तो अगर आपका अकीदा है कि आपके दोनों बाजू मौला अब्बास के बाजुओं का सदका है, तो दोनों हाथों को बुलंद कर दिया कीजिए। खुश रखे, सलामत। मैं कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ना चाह रहा था, वाकई बहुत, फिर भी देखें अगर एक दो बंद में पढ़ पाया तो हाजिर कर दे रहा। अभी लॉकडाउन से पहले वाले साल करबला मोहल्ला में दो जन्नतों के बीच में ये मौला आप सबको इस जश्न के तसद्दुक में करबला मोहल्ला की ज़ियारत नसीब करे। जो जा चुके हैं वो दोबारा जाएं, बार बार जाएं, और जो अभी तक नहीं गए हैं मेरे गाजी, किसी सूरत से भी इन तमाम मोमिनीन को ज़ाहिर हुसैन बनाए। वहाँ जाने के बाद आप क्या महसूस करेंगे? कम से कम मैंने क्या महसूस किया आज? जो जा चुके हैं वो तो शुक्र अदा करके आए हैं, जिन्हें अभी जाना है इंशाल्लाह वो लौट के आएंगे तो कहेंगे नायाब भाई आप सही कह रहे हैं। करबला तक आ गए, करबला तक आ गए, अरमान पूरा हो गया। देखिए मैं जानता हूँ ये बनारस है, यहाँ से अंजुमने पढ़ने का सलीका लेती हैं, तो ज़रा पढ़ के बताइए, साबित कीजिए इस बात को। करबला तक आ गए, अरमान पूरा हो गया। करबला सब मिल के मौला साहब करबला तक आ गए, अरमान पूरा हो गया। करबला तक आ गए, अरमान पूरा हो गया। कुल्ले ईमान की कसम, ईमान पूरा हो गया। गए अरमान पूरा हो गया। मैं सिर्फ एक बार के लिए गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बार सब मिलके बोल दें, मैं सुन लूँ कि फातिमान में जब एक साथ लोग बोलते हैं तो कैसा महसूस होता है। करबला तक आ गए, मौला खुश रखो।
सजदा, एक सजदा कर लिया दो जन्नतों के दरमियां, एक सजदा कर लिया दो जन। इधर गाजी अब्बास का रोजा, इधर मौला हुसैन का रोजा, बैनुल हरमैन महसूस करें कि आप मौजूद हैं इस वक्त। एक सजदा कर लिया दो जन्नतों के दरमियां, एक सजदा कर लिया दो जन्नतों के दरमियां। मैं अधूरा आदमी इंसान पूरा हो गया, मिलके करबला तक आ गए, याली के बाद अब कहने लगा है या हुसैन। जितने भी साहिब औलाद बैठे हुए सबको शामिल कर रहा हूँ। याली के बाद अब कहने लगा है या हुसैन, आज मेरे लाल का कुर्बान हो गया, देख ली एक साथ आँखों ने 72 जन्नतें, देख ली हजरी, देख ली एक साथ आँखों ने 72 जन्नतें। जिंदगी का आज है नुकसान, करबला तक आ गए। हजरत हुर के हवाले से एक शेर पेश कर रहा हूं। देख कांटों से निकल कर आ रहा है एक फूल, आजादी जजादी जी। देख कांटों से निकल कर आ रहा है एक फूल, करबला तक आ गए फरमान पूरा। दसवें दर्जे पर किया फायज रसूल अल्लाह ने, आप सब समझ रहे हैं काफिया क्या आने वाला है, लेकिन मेरी गुजारिश है कि असा मौजूद है, देखिए मैंने किस सलीके से बांधने की कोशिश की है काफिये को। दसवें दर्जे पर किया फायज रसूल अल्लाह ने, आज अपने आप में सलमान पूरा हो गया, आ गए अरमान पूरा हो गया, करबला तक में जब पढ़ी नायाब ने ये मुनकबल, करबला में जब पढ़ी नायाब ने ये मुनकबल, एक सदाई तेरा दीवान पूरा हो गया।
अगर मैं पढ़ सका तो जी दुआ कर दीजिएगा कि दो तीन बन सही लेकिन पढ़ लीजिए भाई। काम मुश्किलों में आए भाई, सबसे पहले मैंने ये दोसीपुरा में, इसी बनारस के दोसीपुरा में मैंने ये नज़्म पढ़ी थी और मेरे ख्याल में उस वक्त जो बच्चे रहे होंगे अब उनके चार चार बच्चे होंगे, है ना, तो अब वो खुद भी बोले और अपने बच्चों से भी बुलवाएं, ना रहे देरी। काम मुश्किलों में आए, काम मुश्किलों में आए, सबकी बिगड़ी बनाए, काम मुश्किलों में आए, सबकी बिगड़ी बनाए, वही मौला हमारा, वही मौला हमारा, सारी दुनिया भुलाए उसे कुछ भी न भाए, उसे कुछ भी न भाए, सारी दुनिया भुलाए, बने जिसका सहारा, दिल की धड़कन बढ़ाए, दिल की धड़कन बढ़ाए, न जाए न सुलाए, कहता जाए ये सितारा, कहता जाए ये सितारा, दोनों हाथों को बना, मुश्किलों में आए, सबकी बिगड़ी बनाए, वही मौला हमारा, वही मौला हमारा, सर को झुका, सबसे सर को झुका, तभी जी बुरी लाए, सबसे सर को झुका, तभी जी बुरी लाए, और घूम जाए नारा, और घूम जाए नारा। बड़ा खतरनाक बंद है जी, और भाई ने तो रहम किया मेरे साथ, कहने लगे कि नायब भाई जितना पढ़ पाइएगा वहाँ तक पढ़िएगा, लेकिन अंबर साहब कहने नायब भाई कैसे भी करके पूरा पढ़ दीजिए, तो मैं ये बंदा आदि कर रहा हूँ। काम मुश्किलों में आए, सबकी बिगड़ी बनाए, काम मुश्किलों में आए, सबकी बिगड़ी बनाए, भाई मौला हमारा।
खड़े होंगे सर को ना।